दोस्तों नमस्कार, फिर से एक बार आप सभी का मेरे ट्रैवल ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों अगर आप अपने काम से बहुत थक चुके हैं और आपको स्ट्रेस रिलीफ की बहुत ज्यादा जरूरत है और आपके पास अगर 2-3 दिनों का प्रावधान है तो मुंबई हो, पुणे हो या आप लातूर हो, छत्रपति संभाजी नगर में हो या भले आप महाराष्ट्र के बाहर से भी हो तो भी महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में ऐसा सातारा के पास एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है जिसकी जानकारी हम आज इस वीडियो में देखेंगे, जिसका नाम है तापोड़ा। ये तापोड़ा महाबलेश्वर से नजदीक है। आप सुन रहे हैं मेरे पीछे बर्ड्स की आवाज। यहाँ का माहौल और टेम्परेचर भी बहुत ठंडा है। ये जाना ही जाता है महाराष्ट्र के काश्मीर के नाम से। तो दोस्तों चलो अभी तापोड़ा के इस टूर पे मैं आपको लेके जाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप इस गूगल मैप में देख सकते हैं, तापोड़ा मुंबई से लगभग 7 घंटे की दूरी पर है। तो अगर सुबह आप जल्दी 6 या 7 बजे तक मुंबई से निकलते हो तो दोपहर के लंच के लिए आप तापोड़ा पहुंच सकते हैं। मुंबई से निकलने के बाद हम वाई पासगणी महाबलेश्वर के रूट से तापोड़ा पहुंच गए। तापोड़ा पहुंचने के बाद हम वहां के शिवसागर एग्रो टूरिज्म इस रिसॉर्ट पर पहुंच गए। रिसॉर्ट के एंट्रेंस से जब हम अंदर जाते हैं तो हमें राइट साइड में एम्पल पार्किंग स्पेस दिखाई देता है। इस पार्किंग स्पेस से जब हम आगे गुजरते हैं तो थोड़ा आगे जाने के बाद रिसॉर्ट का पूरा नज़ारा हम देख सकते हैं। सामने स्विमिंग पूल है, उसके बाजू में रिलैक्सेशन के लिए सीटिंग एरिया है और राइट साइड में है इस रिसॉर्ट का ऑफिस। रिसॉर्ट पहुंचने के बाद इस रिसॉर्ट के ओनर किशन धनावड़े से हमने बातचीत की और रिसॉर्ट के बारे में तथा तापोड़ा में साइट सीइंग के कौन कौन से ऑप्शन हैं उसके बारे में हमने उनसे जानकारी ली। आमचा तापोड़ा मिनी काश्मीर, या कोयने खोऱ्यामध्ये जे आपलं ज्या निसर्ग सौंदर्य आहे ते नॅचरली आहे आणि या शांततेचा अनुभवाचा, शांतता अनुभवण्याचा परिसर आहे किंवा त्याच्यामध्ये ज्या धक्काधक्कीच्या जीवनामध्ये कस्टमर कुठेतरी शांतता अनुभवायला येते त्यासाठी त्यांना उत्तम पर्याय हा तापोळा आहे। तापोळ्यामध्ये कोयना, सोळशी, कांदाडी अशा 3 नद्यांचा या ठिकाणी संगम होतो। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या अंतरापासून आता डॅम आहे ते 85 मीटर अंतर आहे, कोयना डॅम। कोयना डॅम तापोळ्याला खास करून मिनी काश्मीर संबोधलं जातं। या ठिकाणी बोटिंग हा व्यवसाय अतिशय चांगल्या प्रमाणात चालतो। या ठिकाणी स्पीडबोट, मोटरबोट, पॅडल बोट आणि खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या बोटी आहेत, बोटिंग सुपर होतो। टुरिस्ट प्लेसमध्ये तापोळ्याला बघण्यासारखं आहे ते बोटी पण पॉईंट आहे। याच्यामध्ये एक शिवसागर दर्शन पॉईंट आहे, त्रिवेणी संगम आहे, 3 नद्यांचा संगम, त्याच्यानंतर एक दत्त मंदिर आहे ते 3रा पॉईंट। तर दत्त मंदिरला 250-300 गुफा आहे, गुफेच्या आतमध्ये शिवलिंग पिंड आहे, दत्ताच्या पादुका आहेत, गणपतीचं मंदिर आहे। 3 पॉईंटचं पॅकेज घेतलं तर एक साधारणतः 2-2.5 तासाचा टूर आहे। त्याच्या पुढे जर बघायचं म्हटलं तर एक वासोटा किल्ला आहे आणि याच्यामध्ये आज आमच्या शिवसागर ॲग्रोविषयी जर माहिती द्यायची म्हणजे किंवा आपल्या रिसॉर्टविषयी तर आम्ही फॅमिली बुकिंग घेतो। त्याच्यामध्ये आपल्याकडे 3 कॅटेगरीच्या रूम्स आहेत, त्याच्यामध्ये एक बजेट रूम आहेत, मिडल फ्लोअरच्या एक रूम्स आहेत बिग बजेट आणि त्याच्यामध्ये आपल्याकडे टॉप फ्लोअरला आपण प्रायव्हेट पूल, जी कन्सेप्ट आहे की बाहेरच्या ठिकाणी त्याला खूप मोठ्या ह्याच्यामध्ये पैसे भरावे लागतात, अतिरिक्त त्याच्यामध्ये आपल्याला आर्थिकता सोसावी लागते, पण आम्ही आपल्या या ठिकाणी अतिशय कमी ह्याच्यामध्ये प्राइसिंगमध्ये आपण कस्टमर्सना हे सर्व्हिस द्यायचा प्रयत्न करतो। कस्टमर्स आम्ही पॅकेजेस प्रोव्हाइड करतो, मग कपल्स असेल, 3-4 लोक असेल तर पर पर्सन पॅकेज, आणि मग याच्यामध्ये 12 वाजता चेकिंग, दुपारचं लंच असेल, त्यानंतर कस्टमर प्रवासातून येतात, दुपारचं जेवण झालं, थोडं आराम करतात, त्यानंतर आपण वॉटर ॲक्टिव्हिटीला घेऊन जातो। त्याच्यामध्ये कायाकिंग आहे, पॅडलचं बोटिंग आहे। तिथून वरती आले की चहा कॉफी होतं, संध्याकाळचा इव्हिनिंगला आपण स्टार्टर देतो त्यांना, तंदुरी, बारबेक्यू, व्हेज, नॉनव्हेज दोन्ही ऑप्शन ठेवले। त्यानंतर आपण संध्याकाळचा डिनर देतो, कॅम्पफायर आहे, साऊंड सिस्टीम, म्युझिक आहे, इनडोअर गेम्स आहेत, त्यानंतर स्टे राहतो आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळचा ब्रेकफास्ट।
आणि कॉमनचा आपण एक इन्फिनिटी स्विमिंग पूल ठेवला आहे की जेणेकरून कपल्स असतात फॅमिली त्यांना या ठिकाणी आपल्याला त्या गोष्टीचा आनंद घेता आला पाहिजे. आणि आम्ही खास करून फॅमिलीसाठी खूप उत्तमरित्या काम करतोय आणि असा प्रवास आमचा आतापर्यंतचा आहे. दुसरे दिन सुबह फिर हम शिवसागर दर्शन और त्रिवेणी संगम देखने के लिए बोट की सफर पर निकल पड़े. ब्रिज के निर्माण का काम कैसे होता है यह भी हमें यहाँ पर देखने को मिला. एक तराफे के ऊपर कंक्रीट मिक्सर रख के वहाँ पे कंक्रीट मिक्स किया जाता है और इसी कंक्रीट का ब्रिज के पियर में उपयोग किया जाता है. बीच नदी में इतने गहरे पानी में इतनी कठिन परिस्थिति में किस तरीके से लेबर दिन रात काम करते हैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमें इस बोटिंग के सफर में देखने को मिला. इस शिवसागर दर्शन पॉइंट पश्चात हम आगे त्रिवेणी संगम के पास निकल पड़े. वहां से हम देख रहे थे कि लेफ्ट की साइड से सोरशी नदी आकर पीछे से आने वाली कोयना नदी को मिल रही थी और राइट से आने वाली कांदाटी रिवर इन दोनों नदियों को मिलकर वहां पे त्रिवेणी संगम बन रहा था. दोपहर को कुछ समय विश्राम के बाद हम तापोड़ा मार्केट स्थित पद्मावती देवी का दर्शन करने पद्मावती देवी मंदिर में गए. मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास दीप स्तंभ तथा तुलसी वृंदावन हमें दिखाई देता है. यह मंदिर पुरानी तथा आधुनिक शिल्पकला का एक उत्तम उदाहरण है. लकड़ी में बहुत बारीक नक्काशी किया हुआ मुख्य प्रवेश द्वार है तथा इस प्रवेश द्वार के बगल में स्टेनलेस स्टील की ग्रिल पर भी नक्काशी हमें दिखाई देती है. मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर जाने के बाद मंदिर का बहुत प्रशस्त और बड़ा सभा मंडप है. इस सभा मंडप के छत पर भी सीमेंट कॉन्क्रीट के स्लोपिंग रूफ में कुछ नक्काशी हमें दिखाई देती है. बारियों को कमान करके उस पर भी नक्काशी की गई है. मंदिर के गर्भगृह में जाने के बाद हमें पद्मावती देवी की खड़ी मूरत देखने को मिलती है. पद्मावती देवी की यह मूरत की मुद्रा बहुत ही प्रसन्न है. मंदिर के बाहर ही एक मुर्गी और उसके पिल्लों को हमने देखा. इस मौके पर हमें यह देखने को मिला कि इंसानों की तरह पक्षियों के भी पिल्लों का अपनी माँ पर कितना भरोसा होता है और वे अपनी माँ का अनुकरण किस प्रकार करते हैं. पद्मावती देवी के दर्शन पश्चात हम रिसोर्ट लौटे. तब शाम हो चुकी थी. अब रिसोर्ट का नजारा कुछ अलग ही था. सीटिंग एरिया दियों से जगमगा रहा था और उसके ठीक बगल में लाल कलर का हार्ट शेप का सेल्फी पॉइंट भी लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था. बच्चे सीसॉ झूले और स्लाइड पर खेल रहे थे. कुछ समय वहां बिताने के बाद लोग डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में चले गए और इसी तरह टूर का यह दिन समाप्त हुआ. अगले दिन हमने तापोड़ा के नजदीक बसे शहद के गांव मंगहर को भेंट दी और वहां मधुमक्खियों से शहद कैसे पाया जाता है उसके बारे में शहद के गांव के श्रीमती हर्षदा जाधव से हमने जानकारी हासिल की. इस प्रकार के लकड़ी के मधुमक्खियों के बक्से को किसान जंगल में रखते हैं. बक्सों में रानी मधुमक्खी और ड्रोन यानी नर मधुमक्खी को रखकर बक्से को सील कर दिया जाता है. जहां रानी मधुमक्खी होती है वहां श्रमिक मधुमक्खियां उसके पीछे पीछे चलती है और ये श्रमिक मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करने का काम करती है. रानी मधुमक्खियां या नर मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करने का काम नहीं करती. श्रमिक मधुमक्खियां रानी की तलाश में डिब्बे के इस निचली गेट से बक्से में प्रवेश करती है और इस बक्सों में जो लकड़ी के फ्रेम लगाए जाते हैं उनमें एक मोम की जाली रहती है. उस मोम की जाली में षटकोणीय छिद्र रहते हैं. इन छिद्रों में मधुमक्खियां शहद जमा करती है.
बीच बीच में जंगल जाकर किसान यहाँ जालियाँ चेक करते हैं और सभी छिद्र शहद से भर जाने के बाद उन जालियों को एक मशीन में डालकर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स द्वारा उनमें से शहद निकाला जाता है। शहद के गांव के भेंट के बाद हम रिसॉर्ट पर लंच के लिए लौटे और कुछ समय विश्राम करके रिसॉर्ट की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में जानने हेतु नदी के किनारे गए, जहां रिसॉर्ट की काइकिंग एक्टिविटी चलती थी। रिसॉर्ट का स्टाफ पर्यटकों का ख्याल रख रहा था और उन्हें जरूरी निर्देश दे रहा था। मैंने भी पैडल बोट में एक छोटी सी चक्कर लगाकर नदी के चारों तरफ की वादियां, हरे भरे पहाड़ और जामुन, काजू, आम जैसे पेड़ों से घिरी नदी के प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव किया। वहां से लौटते हुए दिन ढल चुका था। रिसॉर्ट पर रात में फायर कैंप जलाया गया। इसका आनंद लेकर फिर हम रूम पे चले गए। उसके अगले दिन सुबह हमने ब्रेकफास्ट के बाद रिसॉर्ट को अलविदा कर हम मुंबई की ओर चल पड़े, लेकिन लौटने के वक्त हम अन्य रूट को ट्राई करते हुए तर्राफे पे गाड़ी रखकर नदी के दूसरी छोर पर तेटली गांव से कास के पठार से होते हुए सातारा से हम मुंबई लौटे। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये जरूर मुझे बताइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो और अन्य वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक बार ऐसे ही ट्रैवल व्लॉग के नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।